वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकली हुई भर्ती के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ और असिस्टेंट के पोस्ट के लिए हो रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो एग्जैक्ट वैकेंसी से बताई नहीं गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है और ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट हुए उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है यहाँ पर 18 से 30 साल, यानी मिनिमम 18 से अधिकतम 30 साल के जो उम्मीदवार है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते है। अप्लाई करना 12 सितंबर से शुरू हो चुका है और अधिकतम आप 31 अक्टूबर 2018 तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि पेमेंट आपको कितना मिलेगा। प्रतिमा आपको यहाँ पर वेतन अच्छा खासा मिल जाएगा, जो कि 9,300 से 34,800 रुपए तक हो सकता है। पोस्ट का नाम जैसे हमने कहा मल्टीटास्किंग स्टाफ और असिस्टेंट है। जॉब लोकेशन जो है यहाँ पर भुवनेश्वर उड़ीसा है, यानी सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट के बारे में अधिक जानकारी बताई गई है। तो सब रिक्रूटमेंट ऑफ मेट्रोजियस पोस्ट पर्सन टू द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर टैक्स असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड टू एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये जो वैकेंसी हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हो रही है और यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है स्पोर्ट्स पर्सन का होने वाला है और फ्रेशर्स इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, पर जो फ्रेशर्स स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने स्पोर्ट्स में कोई काम किया है या देश का नाम रोशन किया है, ऐसे जो उम्मीदवार होते हैं या ऐसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए वैकेंसी है यहाँ पर। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और अधिकतम जो एज लिमिट है 30 साल है। 30 साल के आगे के जो उम्मीदवार है इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिग्री पास होना जरूरी है और डेटा एंट्री की जो वैकेंसी उसके लिए आपको टाइपिंग आनी जरूरी है। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है। प्रोफिशिएंसी ऑफ स्पोर्ट्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट, यानी टूर्नामेंट यानी आपका टूर्नामेंट वाइज यहाँ पर सिलेक्शन होगा। गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, हॉकी एथलेटिक्स इंक्लूडिंग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, फुटबॉल आर्चरी याचिंग रोविंग बैडमिंटन टेबल टेनिस, ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किया गए हैं और कॉम्पिटिशन्स के बारे में जानकारी बताई गई है। अवार्ड्स के बारे में, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होने वाला है और यहाँ पर फॉर्म भी प्रोवाइड किया गया है, इस फॉर्म को आपको भरना है और दिए गए एड्रेस पे आपका जो एप्लीकेशन है भेज देना है जिससे आपका एप्लीकेशन निश्चित हो सके। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है तुरंत आएंगे, वरना आपको जॉब्स के अपडेट्स नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।